लेकिन भी हाल फिलहाल में ही एक ललितपुर की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें सबका दिल दहला के रख दिया है। एक पुलिस अफसर एक नाबालिग बच्ची के साथ अब पुलिस स्टेशन में ही रेप करता पकड़ा गया है। वो नाबालिग बच्ची वो पहले से ही पीड़ित थी, अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी, लेकिन उस पुलिस वाले ने उस पीड़िता को और पीड़ित किया और उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। अब इसी सिलसिले में हम कनॉट प्लेस में आ पहुँचे हैं। यहाँ पर हम स्पेशली महिलाओं से बात करेंगे कि आज के समय में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। तो चलिए जुड़ते हैं और उनकी राय जानते हैं। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि क्या आज के समय में भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? पहले से तो बहुत सुरक्षित है। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, अभी ललितपुर में एक केस हुआ है जो पुलिस वाले ने एक नाबालिग लड़की का रेप किया है। वो खुद अपनी शिकायत दर्ज कराने गई थी और आए दिन रेप होते ही रहते हैं। तो ये क्यों रेप हो रहे हैं? अब प्रशासन इतना सख्त है, इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इनको देख के आपको लगता है कि महिला सुरक्षित है? जी, इन सबको देख के तो नहीं लगता है कि अभी भी सुरक्षित है, लेकिन पहले से तो काफ़ी लगा था कि हाँ सही है, लेकिन फिर ये सब देख के नहीं लगता कि अभी भी है। आप रात में अकेले बाहर जा सकते? आपको मतलब आप इतनी सक्षम हैं कि आपको मतलब डर ना हो? आप जब रोड पे चले, आपको जो लोग देख रहे हैं, कैसी नज़र से देख रहे हैं, वो सब क्यों हो रहा है, उसको देख के आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं लगता अभी भी। आते जाते या फिर रात के 10 बजे के करीब में निकलते हैं रास्ते में रोड पे, तो नहीं लगता अभी। महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं आज की डेट में? कहीं भी कोई सेफ्टी नहीं है महिलाओं की। घर से बाहर वो नहीं निकल सकती हैं, उनको ही ब्लेम किया जाता है कि वो ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनेंगी तो सारे सब आदमी देखेंगे। कहाँ ये सच है? आदमियों को क्यों नहीं बोला जाता कि आप अपनी नज़रें ठीक रखो? माएँ क्यों नहीं समझाती अपने बच्चों को? मैम, ये जो रेप हो रहे हैं, अभी पुलिस वाले ने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अंदर ही। छः महीने के बच्चों के साथ होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि हम अपने बच्चों को सही तरह से एजुकेट भी नहीं करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, नारी का सम्मान करो, नारी के लिए आवाज़ उठाओ। तो हमारी गलती है कि हम अपने बच्चों को सही एडुकेट नहीं करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? जो रेप वगैरह, ये पुलिस वाले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये खुद ये सब कामों पे उतर आए, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? भ्रष्टाचार है और क्या है, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और कुछ नहीं है। आप अपने आप को रात में अकेले रोड पर निकल सकती हैं? आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आधी रात को अगर हम चाहें कि हम बेधड़क होके कोई सामान भी लेना चाहें, 9-10 बजे करीब भी जाना चाहते हैं, तो हम जा नहीं सकते। तो मैम, आप क्या इसमें वो होना चाहिए आगे, मतलब क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें रुके, या फिर कुछ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए ना इस चीज़ के लिए? पुलिस को करना चाहिए, पुलिस जगह जगह पर खड़ी हो, और इस तरह से कोई कानून होना चाहिए कि महिलाओं के लिए कि वो सुरक्षित रहें। तो आपको क्या लगता है मैम, क्या इंडिया में आज के टाइम पे महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अकेले अभी भी जाने में डरती हैं वो रात में, और अर्ली मॉर्निंग है जैसे नहीं निकल सकते। दिल्ली में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी जैसे ललितपुर में एक केस हुआ है जिसमें पुलिस वाले ने ही एक नाबालिग लड़की का रेप किया है, जबकि वो खुद पहले से मतलब वो पीड़ित थी, अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी, लेकिन उस पुलिस वाले ने उसका फ़ायदा उठाया और उससे मतलब रेप किया। इस पर आप कुछ बोलेंगे? मतलब पुलिस वाले ही जब हम ऐसे हैवानियत के शिकार वो बन रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय? इसमें तो राय कुछ भी अलग तो है ही नहीं। पुलिस वालों के साथ भी जब लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, तो फिर तो कोई भी सेफ नहीं है। फिर तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ लेना चाहिए। क्या सुरक्षित है या नहीं हम महिलाएं? नहीं नहीं, मैंने तो कभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं किया है। आई मीन, आप जब भी सड़क पे निकलो, अगर सड़क थोड़ी सी सुनसान है तो आपको एक टेंशन होती है कि किसको अप्रोच करें, और अगर ऑटो वाले को भी अप्रोच कर रहे हो या कोई दूसरा भी बंदा है, जब दूसरी महिलाएँ सड़क पर नहीं दिखती है ना, तो आपको थोड़ा सा अनसेफ लगता है। जब इट्स एन ऑल मैन काइंड ऑफ सड़क पे सब मर्द चल रहे हैं, तो थोड़ा सा, और कोई ना कोई आपको घूर रहा है, जब अकेली लड़की को भी कोई देख लेगा तो घूरना ज़्यादा हो जाता है। आप 2-3 जनों के साथ चल रहे हो तो कोई आपको इतना नहीं देखेगा, पर आप अकेले चल रहे हो तो सब देख रहे हैं आपकी तरफ, तो फिर आपको खुद पे एक और ज़्यादा एक आपको वल्नरेबल फील होता है कि क्या हो रहा है, कहाँ जाए। आप फ़ोन पे बात करने लगते हो, फ़ोन पे कोई भी नहीं है, बट आप थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। और जैसे आपने बोला इस रेप केस के बारे में,
ऐसी घटनाएं तो चल ही रही है। आई मीन आप पुलिस के साथ या आप किसी के साथ, किसी भी मर्द के साथ आप सेफ नहीं फील कर सकते, वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही हो या कोई और भी हो। आई मीन तो लेडीज़ पुलिस फोर्स होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सड़क पे अगर कोई लेडी ऑफिसर देखें तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। पर अगर सब मर्द हैं ऑफिस पुलिस ऑफिसर्स, तो थोड़ा सा वो हमेशा ही रहता है कि आपको महसूस नहीं होता कि आप सेफ हो। देखिए, हम अभी इसी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर हमने अभी औरतों से बातचीत की है। अब लगभग सभी औरतों का यही मानना है कि महिला आज के समय में सुरक्षित नहीं है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन के जब खुद के लोग ऐसे करेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्योंकि ललितपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसमें पुलिस वाले, जो पुलिस कमिश्नर था, उसी ने नाबालिग लड़की के साथ पुलिस थाने में ला के दुष्कर्म किया, जबकि वो खुद पहले से ही पीड़ित थी। वो अपनी शिकायत दर्ज कराने आई थी और उसने उसके साथ उसकी जो उसकी सिचुएशन था उसका फ़ायदा उठाया। अब मैंने इस पे औरतों से बातचीत की, उन्होंने यही बोला कि महिला आज के समय में सुरक्षित नहीं है, सरकार को और कड़े नियम कानून लागू करने चाहिए। दूसरी बात मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी, हमने अभी जो औरतों से बातचीत की उनमें सिर्फ 3 से 4 औरतें बोली, बाकी लोग बोलने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्यों? आप अपनी आवाज़ क्यों दबा रही हैं? आपके साथ नहीं हुआ है, आपको बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन उनका सोचिए जिनके साथ जब हर दिन हर एक घंटे पे हर एक ऐसी महिला प्रताड़ित होती है जो ऐसी सिचुएशन से गुजरती है, उसका क्या? आप उन लोगों के लिए आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, ताकि सरकार ऐसे जो धक्कानुसी कानून बना रखे हैं जो कि औरतों के खिलाफ दिन पे दिन कुछ ना कुछ रेप जैसी घटनाएँ, असॉल्ट जैसी घटनाएँ, हरासमेंट जैसी घटनाएँ होती रहती हैं, पर सरकार उन पर कोई सख्त कानून नहीं उठाती है। जब तक आप अपने लिए नहीं बोलेंगी, कोई भी देश का कानून कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, आपको अपनी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तो घर से बाहर निकलिए, काम काजों को साइड में रखिए, धूप गर्मी छोड़िए और अपनी आवाज़ उठाइए। फिलहाल मैं उमंग, कैमरामैन वेद के साथ।